अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। ये जो डिटेल दी गई है, ऑफिशियल डिटेल दी गई है, ये बहुत ही खुश आइंद है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पहले यानी खुशियां थी उससे अब बढ़ के है, क्योंकि 2018 के लोगों को भी इंक्लूड किया गया, उनको भी पास किया गया। जो सप्लियों वाले थे, जो यानी पास होने से महरूम थे, उन लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही खुशियाँ हैं और कुछ जो है खुशियाँ फ्रेशर्स के लिए हैं, कुछ रिपीटर्स के लिए। ये जो 3% वाली अब बात की गई थी, अब वो कह रहे हैं कि ये टोटल मार्क्स को डबल करके एडिशनल इक्विवेलेंट टू 3% ऐड किया जाएगा ऑफ ऑब्टेन स्कोर। अब यानी इसमें जो लग रहा है वो यही है कि दोनों मार्क्स का 3%। तो स्टार्ट से ही बात कर लेते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 9th और 10th जो है वो प्रमोट कर दिए गए हैं विदाउट पेपर। 10वीं के दूसरा पॉइंट ये कहता है कि 10वीं के पेपर चेक होंगे और वो रिज़ल्ट बनेगा और वो 90 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल सब्जेक्ट्स, यानी वो जो तमाम सब्जेक्ट्स में पास थे पार्ट वन में, वो 3% वाला एग्रीगेट उनको लगेगा। लेकिन जो यानी कुछ सब्जेक्ट्स में फेल थे, पांचवा पॉइंट देखें, तो वो सिर्फ उतना ही मार्क्स दिए जाएंगे जितना उनको वो पहले थे, 3% नहीं मिलेगा। ये यानी क्लियर कर लें। छठा पॉइंट, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट वन 2018, लेकिन वो पार्ट टू में कुछ फेल हो गए थे, तो उनको पार्ट वन वाले मार्क्स दिए जाएंगे। सातवां पॉइंट देख लें, द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड देयर पार्ट टू एग्जामिनेशन बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट वन एंड नाउ अपेयरिंग एज अ कंपार्टमेंट केस विल बी अवार्डेड द सेम मार्क्स, तो उनको वो पार्ट टू वाले सेम मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बराबर मार्क्स मिल जाएंगे और वो पास हो जाएंगे। द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन पार्ट टू ऑफ यानी पार्ट टू एग्जामिनेशन एज अ होल विल बी अवार्डेड, तो उनको इतना मार्क्स मिलेंगे जितने उनके फर्स्ट ईयर में थे, जिनके यानी जो सेकेंड ईयर में बैठना चाह रहे थे। नावा देख लेते हैं, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट इन दियर पार्ट वन और टू। यानी अब गवर्नमेंट भाग गई है, अब गवर्नमेंट इम्प्रूव वाले पेपरों से जान छुड़ा गई है, ये फार्मूला दे रही है कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में 80/85 में और सेकंड ईयर में आपने 60 लिए हैं, तो आप वो 80 क्लेम कर सकते हैं, यानी आपके दोनों पार्ट्स में 80 कंसीडर की जाएंगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा होगा। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग टू अवेल दियर लास्ट चांस फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन विल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स, यानी सबको पास कर रहे हैं, तकरीबन सबको पास कर दिया है। वो 40% वाला भी मुझे अब कहीं नहीं नज़र आ रहा, सारे स्टूडेंट पास हैं। और रिपीटर्स के लिए भी बहुत बड़ी इसमें न्यूज़ है और उन लोगों के लिए काफ़ी खुशी का मकाम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।